आज है मेरा बर्थडे और इतने सारे कपड़े मेरे को धोने हैं। आप देख सकते हैं सारे के सारे ट्राउजर शर्ट और ये सब किसके हैं? नन ददन माय पति के। तो ये जितने भी कपड़े आप देख रहे हैं सारे इनके इनके ही हैं जो मेरे को धोने के लिए डालने हैं। तो अभी मशीन डालेंगे। लेट्स सॉर्ट दिस आउट। शाबाश बेटा। धुलने के लिए बहुत सारी शर्ट, पूरे हफ्ते भर का जमा है भाई ये। आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ टोमेटो राइस और मैंने फाइन चॉप कर लिए अनियंस, गार्लिक को भी मैंने छील लिया और अभी टोमेटो को भी मैं थोड़ा फाइन चॉप कर लूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी बनाते हुए। मुझे टोमेटो राइस कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो आज हमारा लंच में यही होने वाला है। प्याज काटो और आंखों से आंसू ना आए, ये हो ही नहीं सकता। ये प्याज तो मुझे हर बार ही रुला देता है। तो टोमेटो राइस की ये कहानी है कि मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी ऑफिस में एंड वो अपने घर से अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ टोमेटो राइस लाया करती थी और मुझे इतना पसंद आता था कि उन्हें समझ आ गया। नेक्स्ट टाइम वो एक एक्स्ट्रा डब्बा लाया करती थी और मैं वो सारा ही खा जाती थी। नाम है अर्चना, आई डोंट नो इफ शी इज वॉचिंग दिस व्लॉग और नॉट, बट अगर आप देख रहे हो तो आई मिस योर टोमेटो राइस। काफ़ी टाइम के बना रही हूँ मैं, आपसे शेयर करूँगी रेसिपी। स्टे ट्यून्ड। टोमेटो भी चॉप कर लिए हैं तो मैं सिर्फ दो लोगों का बना रही हूँ। वन अनियन में मैंने 3 टोमेटोज डाले हैं और थोड़ी सी मिर्ची और इसके अलावा मैं ये स्टार डालूंगी, इससे बहुत ही इन्हांस्ड खुशबू आती है। और ये बे लीव्स है, ये खड़े ब्लैक पेपर है, उसके अलावा ये मोटी इलायची और लॉन्ग और ये वाली जो इलायची होती है ये भी हम डालेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, अब इसके बाद मैं ये डालूंगी, उसके बाद प्याज और लहसुन को भूनूंगी, लास्ट में टोमेटो। लेट्स स्टार्ट। प्याज एक्चुअली ऑप्शनल है, बहुत लोग नहीं भी डाल सकते हैं बट मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा। प्याज थोड़े से गोल्डन हो जाए उसके बाद मैं टोमेटो डाल दूंगी इसमें। अब हम इसमें टोमेटो डाल देंगे सारे के सारे और थोड़ा मीडियम फ्लेम में इसको चलाना है, ठीक है, जब तक टोमेटो पूरे गल ना जाए। एंड इसमें पुदीने का पत्ता जाना बहुत जरूरी है, उससे टेस्ट जो इनहेंस होके आता है, मतलब वाओ। और जो भी खुशबू आ रही है लहसुन और प्याज की ना, इतना अच्छा लग रहा है वो, मतलब। और इसमें कोई मसाले नहीं जाते एक्स्ट्रा, बस आपने नमक डालना है, मेन है लहसुन, खड़े मसाले और बहुत सारा टमाटर, उसी से मतलब ये यम बन जाएगा। इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको एक्स्ट्रा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर या फिर एक्स्ट्रा कुछ गरम मसाला, चाहिए तो थोड़ा सा डाल सकते हो बट ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही टेस्ट आ जाता है इसका। पुदीने का पत्ता मैंने बताया बहुत ज़रूरी है कि उससे जो निखर के आएगा ना लास्ट में, वो तो मैं आपको दिखाऊँगी। अभी आप देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं, एकदम पक गए हैं, तो इसके बाद मैंने जो चावल भिगो रखे थे उसमें जाएंगे। इसी बीच में पुदीने का पत्ता भी डाल देना। चावल डाल दिए, अब गलेगा पानी। खेत तो कुकर बंद कर दिया, अब इसमें सीटी लगेगी, उसके बाद रेडी टू सर्व। प्लांट को पानी देने की बारी भी आ गई है, छोटा सा मेरा मनी प्लांट। इस बार तो पूरा झाड़ बन गया, लेकिन इतना बड़ा हो गया मेरा प्लांट कि मतलब वाओ, मस्त। तो मेरा टोमेटो राइस एकदम सर्व हो चुका है और इस पर आप फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हैं। इसको हम खाएंगे दही एंड धनिया पत्ती की चटनी बनाई है मैंने उसके साथ। लेट्स एंजॉय। मिस्टर कहाँ से आते हैं? चलो बताओ कैसा लगा आपको टोमेटो राइस, साथ में हमने छोले थोड़े से ले लिए हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना, बहुत टाइम के बाद बने हैं इसलिए। ऑल राइट, तो मैंने फ्रेश बाथ भी ले लिया, लंच भी हो चुका है। टोमेटो राइस वाकई बहुत अच्छे बने थे, काश मैं आपको टेस्ट करा पाती। लाइक सिंपल एंड ईजी टू मेक, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है खाने में। तो अभी आफ्टरनून के बज रहे हैं 3, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और आज मैं जाऊँगी अपना हेयर कट कराने।
जी हाँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, लाइक 6-7 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मैंने कोई कट नहीं लिया। और मेरा आज बहुत मन है कि कुछ अच्छा फ्रेश लुक लाया जाए अपने ऊपर, कुछ अच्छा क्रिएट किया जाए। तो कौन सा कट लेने वाली हूँ एंड ऑल, वो मैं आपको इसके बाद बताऊँगी। तो उसके लिए आप व्लॉग में बने रहिए। तो मिलते हैं आपको अधराफ में। मैंने ये पूरे ओल्ड यूज्ड क्लोथ्स जो है रेडी कर लिए हैं, तो ये मैं आज देने वाली हूँ H&M में। तो H&M एक्सेप्ट ओल्ड क्लोथ्स, और इसमें बहुत सारे मतलब मेरे पुराने कपड़े जो भी थे, ऐसा करके मैंने एक थैला बना लिया है। ओके, तो मैंने अपना हेयर कट ले लिया, आप देख सकते हैं मैंने हेयर कट लिया है, और मेरे बाल भी थोड़े छोटे हो गए हैं। काफ़ी टाइम से मैंने अपने बाल नहीं कटवाए थे, तो मैं एक ही बार में थोड़े चॉप करा लेती हूँ, फिर तो बढ़ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो या दिस इज़ माई न्यू लुक, लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी हल्का और रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं एक डिनर पे, उसके लिए फटाफट रेडी होना है, तो आज का आउटफिट कुछ स्पेशल ही होने वाला है। तो रेडी होके मैं आपको मिलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। 2 hours later। अभी जस्ट हमने पुराने कपड़े दिए हैं और फाइनली एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। मेरे पति को डाउट था कि वो लेते हैं कि नहीं। डाउट की बात नहीं, गजब बेइज्जती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लेटेस्ट कलेक्शन है। मैं जा रहा हूं। क्यों आप मेन सेशन में जा रहे हो? फाइनली हमने ले लिए दो। थैंक यू। ये तो हमारी H&M में हो गई है शॉपिंग, चलते हैं यहाँ से। हेलो, वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं कॉपर चिमनी में, और फिलहाल हमने ऑर्डर किया है ये ब्लू हेवन और बर्चिंग मोटो। अभी खाना आना बाकी है, भूख लग रही है, और यहाँ मैं पहली बार आ रही, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी यहाँ कैसा कुजीन होने वाला है। तो मैंने लिया था ये ब्लू हेवन, लेकिन इसमें लीची का फ्लेवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मीठा है। मुझे इनका ड्रिंक पसंद आ रहा है। कैन वी एक्सचेंज आवर ड्रिंक प्लीज? नहीं। थैंक यू सो मच। पनीर एंड पीनट्स, ये हमारा दम आलू स्टफ विद पनीर एंड पीनट्स, मतलब इतना हाई फाई नाम है। आई होप ये टेस्ट में थोड़ा ठीक लगे। लेट्स ट्राई, ट्राई करके बताना हमें कैसे है। नंबर अच्छा था ना कबाब। जरा रेशमी कबाब मेरी पति के पसंद, और ये भी मतलब वाह मजा। हम लोग कॉपर चिमनी से बाहर आ चुके हैं, और लास्ट में हमने मेन कोर्स में किया था चिकन टिक्का मसाला एंड गार्लिक नान, बहुत ही मज़ा आ गया। तो खाने में इतने बिजी हो गए कि मैंने आपको दिखाया नहीं, तो बहुत ही अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। अब क्योंकि 9 बजे और मॉल अभी भी खुला है, तो थोड़ा देख लेते हैं बाकी का। इसके बाद मैंने छोटी मोटी शॉपिंग की, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, दुकानें भी बंद होने लग गई थी। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। जाते वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम हो गया था। तो ये था मेरा बर्थडे का दिन। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले व्लॉग में।